नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है। मैं अंशुमान आनंद। और दर्शकों को बता दें कि उड़ीसा में मत्स्य पालन यानी मछली उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। और हम बाली यात्रा के दौरान उड़ीसा कटक में थे, यहाँ पे फिशरीज विभाग का जो स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ आप देख सकते हैं कि तरह तरह की मछलियों की जो पालने की व्यवस्था और अलग अलग मछलियों की ब्रीड उसको दर्शाया गया है। और आप दर्शकों को बता दें कि यहाँ पे उड़ीसा में लगभग 480 किलोमीटर का इसका समुद्र तटीय क्षेत्र है। और इसमें समुद्री मत्स्य जो पकड़ने की व्यवस्था है उसमें असीम संभावनाएं हैं। और उड़ीसा का मछली उत्पादन में देश में एक अहम रोल है। ये जो मछलियाँ जो आप देख रहे हैं, ये सभी मछलियाँ आज उड़ीसा में गांव-गांव में पाली जा रही हैं, जिसमें उड़ीसा फिशरी डिपार्टमेंट का बड़ा अहम रोल है। उन्होंने ग्रामीणों को ट्रेन किया है। हम आपको दिखाते हैं कि ये भी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पानी को कैसे साफ किया जाए मछली पालन के लिए। और बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का जो प्लांट है, ये पानी की सफाई की जा रही है ताकि उसमें पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और फिश मछलियों को पलने में आसानी हो। उड़ीसा का मत्स्य पालन क्षेत्र जो है वो समुद्री अंतर्देशीय और खारे पानी के वातावरण में फैला हुआ है। और यही क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लाखों लोगों को ये रोजगार प्रदान करता है। यहाँ पर मछली पकड़ना सिर्फ एक उद्योग ही नहीं है बल्कि यहाँ के सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा है। आपको दर्शकों को बता दें कि हिल्सा, पॉम्फ्रेट और झिंगा इस तरह की जो मछलियाँ हैं वो उड़ीसा में प्रमुख ज्यादा पकड़ी जाने वाली मछलियाँ हैं। और उड़ीसा की जो नदी है महानदी, वो जो कटक क्षेत्र में मिलती है, कटक से आगे बढ़ते हुए पारादीप के पास जाके समुद्र में मिलती है, तो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तरह तरह की मछलियाँ यहाँ पे पकड़ी जाती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि उड़ीसा में भविष्य मत्स्य उत्पादन और बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बन गई है और विशेष तौर पर फिशरी डिपार्टमेंट पर इस पर ध्यान दिया जा रहा है। हम आपको इसी प्रकार से देश के अलग अलग हिस्सों के रंग और दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।